विजिलेंस को सौंपे जाएंगे नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट। जो नियोजित शिक्षकों का अब तक सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ है उन शिक्षकों का सर्टिफिकेट जो है विजिलेंस को सौंपे जाएंगे और उस पर जांच होगी, क्योंकि कोर्ट इस समय कड़े मूड में है, कड़े रुख में है और अंतिम मौका दिया गया है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग कोई टेंशन कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है और विजिलेंस को जो है निगरानी को जो है वह तमाम कागजातों को सर्टिफिकेटों को सौंप देना चाहती है। अब कितने बिहार में शिक्षक जो हैं वो फर्जी हैं ये सरकार भी जान गई है, शिक्षा विभाग के पास में खाका भी है, 5 सालों से लगातार जांच हो रही है लेकिन अभी तक उन कागजात को लेखा जोखा कहाँ गायब हो गया है। बिहार सरकार पेमेंट तो देती है लेकिन उसके पास में उन शिक्षकों का, कितने शिक्षकों का, 1,10,410 शिक्षकों का खाका बिहार सरकार के पास में से लेखा जोखा गायब हो गया है। वेतन सरकार देती है लेकिन उसके पास में शिक्षकों का लेखा जोखा ही गायब हो गया, कितने शिक्षकों का, 1,10,410 शिक्षकों का लेखा जोखा गायब हो गया है और पुनः सरकार शिक्षा विभाग इसको खोजने में एड़ी चोटी लगा दी है, पत्र जारी कर दिया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी DPO को यानी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को जारी कर दिया है और 1,10,410 शिक्षकों के लेखा जोखा की खोज शुरू हो गया है और 5 सालों से खोजा जा रहा है लेकिन अब तक नहीं मिला है। कहाँ पर कोढ़ लगा हुआ है, कहाँ पर खोट है और शिक्षा विभाग इसको खुद महसूस करने लगी है और उस खोट को हटाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। पूरी खबर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी ओर मैं यह भी बता दूं कि आपका मगध संवाद इंस्टाग्राम पर भी है, डेली हंट पर भी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो डेली हंट है उस पर भी मगध संवाद है, उस पर भी आप अच्छे अच्छे बेहतर शिक्षा और शिक्षक से संबंधित, राजनीतिक से संबंधित हर चीज़ों को आप इंस्टाग्राम पर भी मगध संवाद को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डेली हंट पर भी हमें फॉलो करें, देखें सबसे पहले सबसे आगे हर खबर को आपको बताएंगे। तो चलिए चर्चा करना चाह रहे थे फर्जी शिक्षकों पर। एक बार फिर से कोर्ट के आदेश, पटना हाई कोर्ट के अंतिम आदेश, अंतिम चेतावनी के बाद खुद बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने एक्शन लिया है, नीतीश कुमार भी एक्शन में है। बार बार कोर्ट के द्वारा आदेश जो दिए जा रहे थे, यह अंतिम मौका दिया गया है। इसमें वैसे फर्जी नियोजित शिक्षकों को सरकार दरकिनार कर देना चाहती है। पहले भी यह पता दिया गया था कि अगर आप फर्जी हैं, आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर फर्जी है तो आप नौकरी छोड़ के हट जाएं, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पैसा वापस करने की बात नहीं होगी, लेकिन आप जांच के क्रम में अगर फर्जी पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और जो पैसे आप लिए हैं वेतन के रूप में उन वेतन को आपको वापस करना होगा। 1,10,410 फर्जी शिक्षकों की खोज में, यानी कि 1,10,410 शिक्षकों का लेखा जोखा सरकार के पास से गायब हो गया है, शिक्षा विभाग के पास में से गायब हो गया है। शिक्षा विभाग पैसा देती है, बिहार सरकार पैसा देती है, वेतन भुगतान करती है, लेकिन 1,10,410 शिक्षकों का लेखा जोखा उसके पास नहीं है, कागजात नहीं है, आखिर वेतन कैसे भुगतान होता है? यहाँ कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के अफसरों में ही यह खोट है। किसने गायब कर दिया उस लेखा जोखा को, किसने गायब कर दिया? जहाँ शिक्षक दोषी हैं तो पदाधिकारी पर भी उंगली उठनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस लोगों ने यह लेखा जोखा को गायब किस मकसद से किया है, यह उंगली उठने वाली बात है। तो जहाँ वैसे फर्जी शिक्षकों को हटाने के लिए सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री अब सक्रिय हो गए हैं और कुछ ही दिनों में यानी कि नए वर्ष में वैसे शिक्षकों को खंगाल दिया जाएगा और विभाग से अलग कर दिए जाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और जो वेतन अब तक लिए हैं वेतन सहित वसूला जाएगा। कैसे वसूला जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा, लेकिन 1,10,000 शिक्षक कम नहीं होते, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में 1,10,000 को हटा दीजिए, बहुत बड़ी संख्या होता है और
वैसे शिक्षक जो फर्जी के रूप में जाने जा रहे हैं, हमेशा शिक्षकों पर होती है फर्जी कागज़ से एक जल्द घुन, एक जौ अगर घुन जा रहा है तो सारे जौ को घुनी बना दे रहा है, यानी सबको वह बदनाम करने की एक साजिश है। तो सरकार अब सख्ती पर पेश आ गए, क्योंकि कोर्ट भी उन पर सख्त हो गया है और कहा कि अंतिम मौका दे रहे हैं आपको, वैसे फर्जी नियोजित शिक्षकों को आप शीघ्र हटाएं, न तो कार्रवाई होगी। सरकार पर संज्ञान लिया गया है और सरकार भी अभी रिस्क लेना नहीं चाहती है, बदनामी लेना नहीं चाहती है। और सभी बीते दिन ही, दो तीन चार दिन पहले ही, सभी जिलों को शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और वैसे फोल्डर को, सर्टिफिकेट के फोल्डर को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। समय बंधन कर दिया गया है तमाम चीज़ों को, तो अब जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। जो भी अगर फर्जी हैं तो अब बिल्कुल पुड़िया बिस्तरा का बांध कर तैयार हो जाएं। गलत नहीं समझेंगे, खरा खरा बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य सत्य होता है, तत्काल छुपाया जा सकता है लेकिन छुपेगा नहीं। तो फर्जी शिक्षकों के लिए या आफत का समय होगा, नए वर्ष उनके लिए आफत का होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग को अंतिम चेतावनी हाई कोर्ट पटना के द्वारा दे दिया गया है। सभी नोटिफिकेशन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जारी कर दिया गया है। बहुत ही लगातार अखबारों में इसकी ही चर्चा चल रही है, यहाँ तक कि कई टीवी चैनल भी अपनी खबरों को प्रमुख खबर के रूप में बनाया है कि विजिलेंस को बचे हुए फर्जी शिक्षकों के सर्टिफिकेट शीघ्र सौंप दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। तमाम चीज़ों को अखबार लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए आज अखबार में नियोजित शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा गया है, विजिलेंस को सौंपे जाएंगे बचे हुए शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो है उनको सौंपा जाएगा। राज्य में प्रारंभिक नियोजित इकाइयों के बचे हुए शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के लिए विजिलेंस को सौंपे जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बात में कहा कि बचे हुए शिक्षकों के सर्टिफिकेट जाँच के लिए विजिलेंस के हवाले करने के लिए वर्क आउट किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 110,410 शिक्षकों के सर्टिफिकेट जाँच के लिए नियोजन इकाइयों द्वारा विजिलेंस को नहीं सौंपे गए हैं। जिनके शिक्षकों का सर्टिफिकेट विजिलेंस को नहीं सौंपे गए हुए सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल के हैं। पटना हाई कोर्ट के सख्ती के बाद इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से 23 दिसंबर, देखिए डेट भी मुकर्रर हो गई है, 23 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की गई है। इसके लिए फॉर्मेट जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में नियोजन इकाई वार शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध कराए गए फोल्डरों की संख्या, लंबित फोल्डरों की संख्या, फोल्डर लंबित रहने के कारण एवं लंबित फोल्डर के लिए जिम्मेदार इकाइयों का पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है। यानी लगातार ब्यौरे मांगे जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री भी इस पर संज्ञान लिए हैं, बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, लगातार संज्ञान ले रहे हैं, पदाधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि अब जो गायब फोल्डर है, लेखा जोखा जो चीज़ें हैं वह उपलब्ध कराएं, यानी कि इसमें बहुत लोग जाने वाले हैं। तो वीडियो अब लंबी नहीं हो, आप बात को समझ गए होंगे कि तलब कोर्ट के द्वारा किया गया है, शिक्षा विभाग सक्रिय है, सख्त है, शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान लिए हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश भी इस पर है कि जो फर्जी शिक्षक हैं उनको हटाने का काम किया जाए। शिक्षा मंत्री बैठक लगातार ले रहे हैं और शीघ्र ही 23 तारीख तक रिपोर्ट तलब करने की जो बात कही गई है, उसके बाद में ही दिसंबर माह में ही कुछ अलग होने वाली बात है और जनवरी वैसे फर्जी शिक्षकों के लिए शायद दुखद होगा। चलिए आप बन गए हैं, मौका मिला था, शायद अब भी मौका है। अगर आप इस्तीफा देकर हट जाते हैं तो शायद आप पर कार्रवाई ना हो। ऐसे भी बहुत शिक्षक हटे थे जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, वेतन भुगतान जो लिए थे उनका वापस करने की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर जाँच के क्रम में पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई के साथ जो पैसे सरकार से लिए हैं वह वापस करना होगा। तो वीडियो लंबी न हो, मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें, जैसे ही कोई और नोटिफिकेशन शिक्षक और शिक्षा विभाग से लेकर आएगा, सबसे पहले सबसे आगे बताने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।